प्रोसेस को, लाइफ प्रोसेस में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन टू टाइप्स, कौन कौन से, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स और हेटरोट्रॉप्स। अच्छा, ऑटोट्रॉप्स का एग्जांपल फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस कौन करेगा, प्लांट्स करेगा, क्या प्लांट्स का लीफ ही करेगा या सारे ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ऑल ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेगा। क्या एल्गी करता है कि नहीं करता है, बिल्कुल एल्गी फोटोसिंथेसिस करता है। अच्छा, हेटरोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं, यस सर। कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि हेटरोट्रॉप्स हैं, यस बिल्कुल है। कैसे प्लांट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ठीक है। डाइजेशन की बात करेंगे, ठीक है, डाइजेशन का क्या मतलब होता है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्जन, ब्रेक डाउन होना, क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। डाइजेशन में फर्स्ट पार्ट ऑफ द माउथ, माउथ है पहला पार्ट, माउथ में क्या क्या होगा, टंग होगा, किसके लिए, सलाइवरी ग्लैंड के लिए है कि नहीं, टंग किसके लिए, टेस्ट के लिए, टंग किसके लिए, टेस्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट बिटर के लिए होता है कि नहीं होता है, नहीं होता है, लास्ट होता है बिटर के लिए, ठीक है, स्वीट होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द टंग, ठीक है। अच्छा, माउथ में अगर हम लोग सलाइवरी ग्लैंड की बात करें तो सलाइवरी ग्लैंड के नंबर 6, सलाइवरी ग्लैंड के नंबर 6, पेयर कितने होंगे, 3, नाम क्या क्या होगा, सब मैगजरी, सब मैंडिबल, ठीक है, सब लिंगुअल और पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड बिलो द एयर होता है कि नहीं होता है, होता है, ठीक है। अच्छा, आगे की ओर बढ़ेंगे, इसोफेगस आएगा, इसोफेगस क्या है, फूड पाइप है कि नहीं है, है ना। अच्छा अच्छा, आगे की ओर बढ़ेंगे, इसमें स्टमक आएगा, स्टमक में एसिड सिक्रीट होता है कि नहीं होता है, एसिड सिक्रीट होता है, कौन सा एसिड, हाँ HCl, ठीक है, कौन सा एसिड, HCl, ठीक है। HCl सिक्रीट होने की वजह से स्टमक में कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इनर लेयर जो होती है स्टमक की क्या कहलाती है, मुकोसा लेयर, मुकोसा लेयर, चार लेयर ऑफ द स्टमक, कौन कौन से, सिरोसा, मैस्कुलाइज, सबमुकोसा और मुकोसा। आगे की ओर जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा, आएगा ना स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट, सीकम का, ड्यूडेनम, जीजनम और इलियम। ड्यूडेनम फर्स्ट पार्ट है, मैक्सिमम डाइजेशन कहाँ पे होता है, ड्यूडेनम में होता है, मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है, क्यों होता है, क्योंकि वहीं पे गाल ब्लेडर भी ओपन होगा, पैंक्रियाटिक डक्ट भी वहीं पे क्या होगा, ओपन होगा। अच्छा, पैंक्रियास से याद आया, पैंक्रियास क्या है, मिक्स ग्लैंड है कि नहीं है, बिल्कुल, ठीक है, एक्सोक्राइन है और एंडोक्राइन है। एक्सोक्राइन किस लिए, क्योंकि यहाँ पे सिक्रीशन होगा किसके लिए, पैंक्रियाटिक जूस डाइजेशन में हेल्प करेगा। और एंडोक्राइन किस लिए, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन सिक्रीट होगा, दो हार्मोन, ग्लूकागन और इंसुलिन, एक क्या काम करेगा, ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाएगा और दूसरा जस्ट अपोजिट, ठीक है, क्या करेगा, घटाएगा, ठीक। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन मैक्सिमम या मिनिमम, मिनिमम लार्ज इंटेस्टाइन में मिनिमम, ज्यादा क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। अच्छा, तो दवा दारू कहाँ पे, स्टमक में, दवा दारू स्टमक में, इसीलिए तुरंत चढ़ जाती है, सही कहे, ठीक है, इसीलिए तुरंत चढ़ जाती है ना। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो ठीक है, चलो, माइक्रोविलाई कहाँ पे पाया जाएगा, इंटेस्टाइन में, कहाँ पाया जाएगा, इंटेस्टाइन में, कौन से इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में तो रीअब्जॉर्प्शन होता है सिर्फ आयंस और वाटर्स का, ठीक है। अच्छा, एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है, एक्सक्रीट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है। अच्छा, किडनी कितने होते हैं, पेयर कितने होते हैं, किडनी दो नंबर होंगे और एक पेयर होंगे, ठीक है। अच्छा, किडनी में फंक्शन यूनिट क्या है, नेफ्रॉन, नेफ्रॉन क्या काम करेगा, फिल्ट्रेशन का काम करेगा। नेफ्रॉन के पार्ट बता सकते हो, यस, ग्लोमेरुलस होता है कि नहीं होता है, ग्लोमेरुलस होता है, बोमन कैप्सूल होता है, पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूफ, कलेक्टिंग डक्ट, आगे क्या आएगा, यूरिनरी ब्लेडर, ठीक है। मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन किस पार्ट में होगा, पीसीटी में होगा कि डीसीटी में होगा, पीसीटी में होगा। पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, पीसीटी का फुल फॉर्म प्रॉक्सिमल कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, ठीक है। अच्छा, स्टोन जो बनता है कहाँ पे बनेगा, किडनी में बनता है कि नहीं बनता है, यस किडनी में बनता है, ठीक है। अच्छा, किडनी के बाद आगे की ओर अगर बात करें तो यूरेथ्रा होता है कि नहीं होता है, यूरेथ्रा होता है ना, क्या होगा, वहाँ से यूरिन पास होगा, यूरिन पास होगा, यूरिन स्टोर्ड कहाँ पे होगा, यूरिनरी ब्लेडर में, यूरिन कहाँ स्टोर होगा, यूरिनरी ब्लेडर में। रेस्पायरेशन की बात करें, टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन दो टाइप्स के होते हैं कि नहीं होते हैं, तेज से बोलो, ठीक है, कौन कौन से, एरोबिक और एनारोबिक। एरोबिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक का मतलब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अच्छा, बात करें ईस्ट में तो एरोबिक या एनारोबिक, एनारोबिक। मसल्स में एनारोबिक, साइटोप्लाज्म में एरोबिक, साइटोप्लाज्म में एरोबिक। रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग, सेम चेंज आर डिफरेंट थिंग्स। रेस्पिरेशन मींस बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, बर्निंग ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ब्रीथिंग क्या है, हाँ ठीक है, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन और आउटटेक ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ऑक्सीजन और CO2 का एक्सचेंज कहाँ पे होगा, लंग्स में होगा, लंग्स में होगा। लंग्स के किस पार्ट में, लास्ट पार्ट कौन सा है, एल्वोलाई है, कैसा होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, सैक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। वहीं पे क्या होगा, गैसेस का एक्सचेंज होगा, गैसेस का एक्सचेंज किस वजह से हो रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को लंग्स से और सेल में ले जाने का काम कौन करेगा, हीमोग्लोबिन करेगा। वन हीमोग्लोबिन कितने कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, कितने मोल ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करेगा, चार मोल ऑक्सीजन को क्या करेगा, कैरी करेगा। कहाँ पे ले आएगा, सेल साइड पे, सेल साइड पे क्या होगा, ग्लूकोज की बर्निंग होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बनेगा वहां पे, एटीपी, एटीपी
एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी है। हमारी बॉडी एनर्जी को लेने के लिए क्या यूज करती है? एटीपी। एटीपी के फॉर्म में एनर्जी को हमारी बॉडी लेती है, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, एडिनोसिन ट्राई फास्फेट, ठीक है। ब्लड सर्कुलेशन की बात करें, कितने चैम्बर हल्ट होता है हम लोगों में? 4 चैम्बर हल्ट, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। क्या 3 चैम्बर भी होता है किसी में? यस। क्या रेप्टाइल्स में होता है? रेप्टाइल्स में यस। एम्फीबिया में होता है? यस। अच्छा, क्रोकोडाइल में कितने होते हैं? 4 चैम्बर। एक्सेप्शन कौन है? क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कितने हैं? 4 चैम्बर। क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर और ह्यूमन में भी 4 चैम्बर। इसीलिए सारे ह्यूमन क्या है? जानवर हो जाते हैं कभी कभी, मगरमच्छ हो जाते हैं। हाँ, जैसे उस दिन वो लड़का बोल रहा था कि तुम पापा की परी हो तो हम भी मम्मी के मगरमच्छ हैं, है ना। चलो आगे की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। 4 चैम्बर हल्ट होता है। अच्छा, ब्लड क्या क्या पाया जाएगा इसमें? प्लाज्मा होता है, ठीक है। अच्छा, ब्लड होते हैं, प्रोटीन्स होती हैं, कौन कौन सी? फाइब्रिनोजन होता है कि नहीं होता है? ग्लोबुलमिन होता है, एल्बुमिन होता है। फाइब्रिनोजन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा। ब्लड क्लॉटिंग में कौन हेल्प करेगा? कैल्शियम आयन भी करेगा। अच्छा, ब्लड को अगर हम डिवाइड करें कितने पार्ट में? 3 पार्ट में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी में कौन होगा? आरबीसी का कलर रेड। क्या होता है उसमें? हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन किससे मिलकर बना है? आयरन प्लस ग्लोबिन प्रोटीन से मिलकर बना है, ठीक है। डब्ल्यूबीसी की बात करेंगे, 2 टाइप्स के होते हैं एरोथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी 2 टाइप्स का होता है ना, ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स का मतलब उसके 3 पार्ट्स हो जाएंगे फिर, कौन से? बेसिनोफिल्स, एसिनोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। दूसरा, उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, कौन कौन से? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ठीक है। प्लेटलेट्स होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स क्या काम करेगा? ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ब्लड क्लॉटिंग में देखो कौन कौन हेल्प कर रहा है? कैल्शियम आयन, प्लेटलेट्स और फाइब्रिनोजेंस, ये तीनों मिलके क्या करते हैं? ब्लड क्लॉटिंग कराते हैं, ठीक है। अच्छा, डिसऑर्डर की बात करें तो जॉइंटिस डाइजेशन से रिलेटेड है कि सर्कुलेशन से? डाइजेशन से, ठीक है। हार्ट अटैक की बात करें तो ब्लड सर्कुलेशन से। अच्छा, अगर बात करें हम डायरिया की तो डाइजेशन से। अगर बात करें एम्फाइसेमा की तो रेस्पायरेशन से। अगर बात करें हम लोग किसकी? कार्डियक अरेस्ट की, तो ब्लड सर्कुलेशन से। ब्लड सर्कुलेशन से। अच्छा, अगर बात करें रीनल कैल्कुलाई की तो एक्सक्रीशन से। रीनल कैल्कुलाई का क्या मतलब हुआ? फॉर्मेशन ऑफ स्टोन, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग बात करें ये फिश में तो कितने चैम्बर हर्ट? फिश में 2 चैम्बर हर्ट, फिश में 2 चैम्बर हर्ट, ठीक है। एक एट्रिया होगा, दूसरा वेंट्रिकल होगा, ठीक है। यहाँ से जो ब्लड का फ्लो होगा कैसा होगा? प्योर ब्लड होगा, इम्प्योर होगा? इम्प्योर होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? मिक्स रहता है, एक ही में आगे खुलेगा ना, तो मिक्स रहेगा। प्यूरिफिकेशन कहाँ होगा? गिल्स वाले पार्ट में। फिश में गिल्स के पार्ट में प्यूरिफिकेशन होगा। हम लोगों में प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है? लंग्स में। प्यूरिफिकेशन होगा लंग्स में, ठीक है। फिल्ट्रेशन होगा किडनी में। पंपिंग कहाँ होगा? हार्ट से। हार्ट क्या काम करेगा? पंप करने का काम करेगा। अच्छा, हार्ट कितने बीट पर सेकेंड? मिनट होता है, सेकंड नहीं, मिनट। 72 पर मिनट, नॉट सेकंड, ठीक है। तो ध्यान देना, ठीक है, 72 पर मिनट, ठीक है। अच्छा, एक मिनट में कितना ब्लड पंप करता है हमारा हार्ट? एक मिनट में हमारा हार्ट कितना ब्लड पंप करता है? 5 लीटर अप्रॉक्सीमेटली, 5 मीटर अप्रॉक्सीमेटली, 5 लीटर, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या बचा? प्लांट्स की बात कर लें, प्लांट्स की बात कर लें, ठीक है। अच्छा, प्लांट्स में वेसल्स होते हैं जो काम क्या करेंगे? फूड और वाटर को ले जाने का। फूड का काम कौन करेगा? फ्लोएम ले जाएगा। फ्लोएम फासे फूड फासे फ्लोएम। फ्लोएम क्या करेगा? फूड को कैरी करने का काम करेगा। अच्छा, फ्लोएम फूड को कैरी कहाँ से करेगा? टॉप टू बॉटम या डाउन टू टॉप? डाउन टू टॉप। अरे बेवकूफ हो, टॉप टू बॉटम फ्लोएम फूड को ले जाएगा। फूड कहाँ बनेगा? लीफ वाले पार्ट में बनेगा। लीफ कहाँ होता है? नीचे होता है क्या? ऊपर होगा ना, लीफ में होगा ना। क्लोरोप्लास्ट क्लोरोफिल कहाँ पे है? लीफ में है। फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा? लीफ में। फूड कहाँ बनेगा? लीफ में। फूड बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ट्रेवल करेगा सुक्रोज के फॉर्म में, स्टोर होगा स्टार्च के फॉर्म में, ठीक है। अच्छा, तो फासे फूल, फासे फूड और फासे फ्लोएम, जा से जल और जा से जाइलम। जाइलम क्या काम करेगा? वाटर को कैरी करने का काम करेगा। वाटर का मूवमेंट कहाँ से होगा? डाउन टू टॉप, मतलब रूट्स, रूट टू सूट, ठीक है। अच्छा, यूनिडायरेक्शनल जाइलम है या फिर फ्लोएम? यूनिडायरेक्शनल जाइलम, जाइलम, ठीक, क्योंकि वो सिंगल डायरेक्शन फ्लो करता है डाउन टू टॉप। बट फ्लोएम कैसा है? यूनिडायरेक्शनल है कि नहीं है? नहीं है, ठीक है। वो कैसा है? मल्टी डायरेक्शनल है, क्योंकि फूड का फॉर्मेशन होगा लीफ में, उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स में वो फूड जाएगा। अच्छा, सेल्स की बात करें तो परमानेंट सेल्स होती है, कंपेनियन सेल्स होती है कि नहीं होती है? होती है ना। अच्छा, कंपेनियन सेल्स होती हैं, ठीक। अच्छा, बात करें पीसीएस, फार्मूला याद करो, पीसीएस पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, पैरेन्काइमा कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। कैम्बियन रिंग, कैम्बियम रिंग से हम लोग क्या काउंट कर सकते हैं? एज ऑफ द ट्री। कैम्बियम रिंग से क्या कर सकते हैं? एज ऑफ द ट्री, ठीक है। स्टेम को कट करेंगे, जितने रिंग दिख जाएंगे उतना ही क्या रहेगा उसका? एज रहेगा। एक रिंग डार्क रहेगा, दूसरा लाइट रहेगा, डार्क लाइट, डार्क लाइट, ठीक है। अभी कुछ रह रहा है? हो गया सारा, एसेंट ऑफ सेप,
एसेंट आपसे वाटर का मूवमेंट ठीक है कहां से होगा डाउन टू टॉप होगा वाटर का मूवमेंट डाउन टू टॉप होगा अच्छा जब डाउन टू टॉप मूवमेंट वाटर का होगा तो थ्रू द जाइलम होगा ठीक है उसमें फोर्स लगेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कौन सा फोर्स बोलेंगे कोहेसिव फोर्स कौन सा फोर्स कोहेसिव फोर्स और वाटर